गुस्से में है और मेरी तरफ अटैक करने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का मेरा व्लॉग है होम अलोन। आज के दिन मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मैं आज घर में बिल्कुल अकेली हूँ। एक्चुअली अकेली मतलब सर्वेंट्स लोग हैं, बट मेरी फैमिली का कोई भी मेम्बर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। वो ये हुई है कि हम लोग ने सोचा था कि चलो, बहुत टाइम से कोविड था तो कहीं हमें जाने को नहीं मिल रहा था, घूमने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ट्रैवल बैन था हर जगह। आपको पता ही है कि हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब जब ट्रैवल बैन खुला तो फटाफट हमने दुबई का प्लान किया कि चलो एक वीक दुबई में चले जाते हैं, थोड़ा चेंज होगा। और फटाफट हमने टिकट्स वगैरह सब बुक कर लिया था। और हुआ ये कि मेरा जो पासपोर्ट था वो यूके इमिग्रेशन के पास था, क्योंकि मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था यूके का। और पर हुआ ये कि आज 23 डेज़ हो गए हैं, अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया है, और उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और मेरे पूरी फैमिली दुबई में है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आज आ जाए या कल आ जाए तो मैं भी उनको ज्वाइन कर सकूँ, बट क्या करें, बड़ा ही अजीब सा हो गया मेरे साथ। तो सोचा ब्लॉग करती हूँ, आज पूरे दिन में क्या किया आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ रह सकें मेरे होम अलोन वाले एक्सपीरियंस में। और प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे घर पे चल रहा है पेंटिंग, आप देख सकते हैं पेंटिंग चल रही है, तो उसकी वजह से मैं पूरा घर ऊपर नीचे हुआ हुआ है। ना मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा सकती हूँ, ना कहीं बैठ सकती हूँ, सब रूम्स ऐसे हालत में है। सो आज का मेरा पूरा दिन निकलेगा इस रूम में, क्योंकि ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर अभी पेंटिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरे जो मतलब मुझे जो भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए तो मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोगों को भी लेकर चलूँगी, सो वो यहीं करना होगा। सो मेरी जो स्टाफ है उन्होंने भी मुझे यहाँ पर आज बनाया है फ्रेंच टोस्ट और गरम गरम चाय। सो आज आप लोगों ने क्या खाया ब्रेकफास्ट में? आज जो सिचुएशन में मैं हूँ उस पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो ये है, अकेले हैं तो क्या गम है। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं जानती हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है ना, आज तो सब उल्टी सीधी चीज़ें ही होंगी। और बस दुआ करो यार मेरा पासपोर्ट आज आ जाए, कल आ जाए, ताकि मैं भी जा सकूं। और चाय पियेंगे आप? पी लिया आपने? अगर मुझे सुबह से चाय नहीं मिले ना, मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। मुझे सुबह उठ के ही चाय की आदत है। जो मॉर्निंग में चाय चाहिए ना, वो मैं, काफ़ी लोग मुझसे अग्री करते होंगे, मॉर्निंग की चाय का एक अलग ही कुछ मज़ा है। गला भी लगता है ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। और नहीं नहीं, मुझे कोविड नहीं है, मैंने टेस्ट करा लिया है, कोविड का नेगेटिव है। क्योंकि दुबई जाने से पहले टेस्ट कराना पड़ता है 48 आवर्स वाला, तो मैंने वो करा लिया था। तो पता नहीं अब क्या करूँ, सो जाऊँ या बाहर जाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि रहना तो इसी पूरे कमरे में एक दिन पूरा गुजारना है। मेरे जो दोस्त लोग भी हैं वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनके पास भी नहीं जा सकते। तो मिलिए मेरे साथी से, इसका नाम है गूफी। गूफी, आपको दुबई जाना है? ये भी उदास है क्योंकि इसके पास पासपोर्ट नहीं है और इसको भी दुबई जाना है। ये गुस्से में है और मेरी तरफ अटैक करने की। क्या हो गया, मैंने थोड़ी दुबई का कैंसिल किया है, पागल। ये स्टाफ नंबर वन प्रार्थना। प्रार्थना क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही हो? हाँ। आज घर का हालत बुरा है ना बहुत? हाँ। और ये है रतन। हाँ। आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो क्लीन करने का, बर्तन धोने का, बर्तन धोने का, क्लीन करने का। हाँ। चलिए आगे और मिलाती हूँ। ये है नरेश, इसको आपने पहले भी देखा था। ये क्या बना रहे हो नरेश आज खाने में? आज पत्ता गोभी। आज तो एक ही हूँ, मैं ही हूँ अकेली, बस पत्ता गोभी और दाल। ओके, चलो ठीक है। ये देखिए हालत क्या है मेरे घर की,
कहीं भी जाऊं सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, अंदर काम चल रहा है, पॉलिशिंग हो रही है। इस रूम में जा नहीं सकती क्योंकि अगर जाऊंगी तो स्मेल आएगी। पॉलिश हो रही है। भैया कितना टाइम लगेगा पॉलिश में? 7 बजे बोला। हाँ बोला 7 बज जाएगा। इधर 7 बज जाएगा। और ये है सुमन मेरा स्टाफ। क्या कर रहा है तू यहाँ पर बैठ के? देख रहा हूँ। देख रहा है? और कोई काम नहीं है? नहीं, काम देख रहा हूँ। और ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं रिंग लाइट वहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये भी एक मेरा स्टाफ मेंबर है, सुमन नाम है, ये बिहार से है। और पॉलिशिंग हो रही है तो ये बैठ के देख रहा है क्योंकि काम तो इसके पास कुछ नहीं है आज सारा दिन। और बस आज का दिन पता नहीं पेंटर्स का, पेंटर्स के बीच में ही गुजरने वाला है मेरा। सो अभी हुए हैं 1:30, लंच बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन मैं उठी लेट हूँ तो अभी मन भी नहीं कर रहा लंच करूँ कि नहीं। ये भी उदास है मेरी तरह, सोच रही हूँ सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, उठ के फिर रेडी होंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं उठ गई थी, एक्चुअली उठी क्या, सो ही नहीं पाई, मुझे इतने सारे कॉल्स आए कि बार बार बैक टू बैक मुझे उठना ही पड़ा। फिर मैंने उठ के शावर लिया, रेडी हुई, बाहर तो कहीं जाना नहीं है, फिर भी रेडी हो गई हूँ। अगर मन करा तो एक ड्राइव पे चली जाऊँगी। अभी तो फिलहाल लंच मेरा वेट कर रहा है तो मैं करने लगी हूँ लंच। और कितने बजे लंच करें वो भी बता दूँ 4 बज गए हैं और 4 बजे मैं लंच कर रही हूँ। आज टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, सब उल्टा सीधा हो रहा है। सो आज बना है मेरे लिए स्टीम राइस, दाल, आलू गोभी की सब्जी, कट एंड अनियंस। वैसे तो दिन में मैं अनियंस नहीं खाती हूँ, लेकिन आज कहीं बाहर जाना नहीं है तो सोचा खा लूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास माउथ फ्रेशनर है। और आई नो लोग काफ़ी अवॉइड करते हैं दिन में अनियन खाना, लेकिन मुझे खाने में प्यास चाहिए। और चलिए मैं खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। हाय गाइस, शाम के 6 बज गए हैं क्या बोल रही हूँ। और मैंने अभी थोड़ी कुछ वीडियोस बनाई हैं रील्स के लिए, सो अभी ख़त्म किया, अब एडिट करूँगी। और बस अब थोड़ी देर में मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाऊँगी, वहाँ डिनर है और फिर वहाँ पर आपको मिलती हूँ मेरे सिस्टर के घर। और जहाँ मेरी सिस्टर रहती है उसी बिल्डिंग में ऋतिक रोशन भी रहते हैं, तो हो सकेगा तो चांस मिला तो शायद आप ऋतिक रोशन को भी देख लें। हाय गाइस, सो मैं रेडी हूँ अपनी बहन के घर जाने के लिए। और मेरे घर की हालत अभी भी सेम टू सेम वैसी है, सो देखते हैं कल तक शायद ये पोर्शन हो गया है और कल तक शायद ये हॉल जो मेरा लिविंग एरिया है वो कम्प्लीट हो जाए पेंटिंग का। सो चलिए चलते हैं मेरे साथ मेरी सिस्टर के घर। लिफ्ट में हूँ, 3rd फ्लोर पर मेरी सिस्टर रहती है और 8th, 9th, 10th फिर ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली। और ये जो अपार्टमेंट है वो छुपू एरिया में है। आप मेरी सिस्टर से तो पहले भी मिले हैं, आज मैं इसके घर पे हूँ और इसने हमने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है और आज हम लोग यहीं पर मैं डिनर करूँगी और कुछ टाइम स्पेंड करूँगी मेरी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स के साथ। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है मेरी सिस्टर का, ये देखिए इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग पूरी वॉल पे लगी हुई है। एंड ये मेरे ख्याल से यहाँ 5 बेडरूम्स हैं और बहुत ही प्यारा कंसोल एंड बुद्धा। पूरा घर तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सो रहे हैं बच्चे। किचन है, अंधेरा है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। वो लोग सब कार्ड्स खेल रहे हैं और मैं वहाँ बालकनी में हूँ और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो रिचा थैंक यू, तुमने मुझे घर पे बुलाया बहुत टाइम बाद। वैसे तो मुझे बुलाती नहीं हो, हमेशा मुझे
आई नो गाइज, मैं अभी बहुत टाइम से किसी को बुला नहीं रही हूँ बिकॉज आपको पता है कोविड के चक्कर में थोड़ा बच्चा छोटा है मेरा, तो यू हैव टू सी थिंग्स, बट आई एम वेरी हैप्पी मेरी बहन बहुत टाइम बाद मेरे साथ आई है एंड फ्राइडे नाइट वी एंजॉयिंग सो मच. मतलब हम मिलते हैं, मतलब घर में नहीं मिलते, बाहर तो मिलते ही है ना हॉलीडेज के लिए, तो चलो अब जा नहीं पा रहे, नहीं तो मोस्टली साल में एक बार हमारी हॉलीडेज साथ में होती है. और एक फ्रेंड से मैं मिलाना चाहती हूँ जो मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है उर्वशी. वेरी गुड डिजाइनर, ये बहुत अच्छी डिजाइनर है और इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है. उर्वशी अपना अकाउंट की डिटेल्स बताओगी और क्या क्या है उस अकाउंट में, बताओगी इनको. ओके, सो इट्स कॉल्ड एलिजियन ड्रेसेस एंड मेनली इट इज अबाउट फोटोशूट के लिए ड्रेसेस जाते हैं रेंट पे एंड या प्री वेडिंग मैटरनिटी व्हाटएवर शूट्स, सो यू कैन यू नो रेंट इट आउट फ्रॉम मी. तो अगर आपको गाउन्स ये सब चाहिए रेंट पे, तो आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल को आप फॉलो करें. क्या है? Elysian Dresses. Elysian. सो डू फॉलो हर. आपको अगर रेंट पे कोई भी गाउन्स आपको चाहिए, ब्राइडल या और कौन से होते हैं, प्री वेडिंग, सो प्लीज चेक आउट हर पेज. थैंक यू. हाय गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पूरा दिन स्पेंड करके, और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय ब्लॉग्स एंड अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.